अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में क्रेडिट नोट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, टैली का नया वर्जन आ गया है, इसलिए हम इस वीडियो के बाद जर्नल वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की एक वीडियो और बनाएंगे। इसके साथ ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम tally.erp9 पर वीडियो बनाना बंद करके उसकी जगह टैली के नए वर्जन टैली प्राइम पर वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ हम आपको दो महत्वपूर्ण बात बता दें। पहली तो ये कि टैली का नया वर्जन आने से आपने अभी तक जो भी सीखा है उसमें से कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। नए वर्जन में टैली को काम करने की दृष्टि से और सरल बना दिया गया है। और दूसरी बात, जो लोग अभी tally.erp9 पर काम कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा जब तक कि आप उसे अपग्रेड नहीं कर लेते। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये विस्तार से बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर को कंपनी फीचर्स में जाकर कैसे इनेबल करते हैं और इन वाउचर्स को आइटम इनवॉइस मोड में कैसे लाते हैं। इसलिए यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाली डेबिट नोट वाउचर की वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब किसी भी कारण से कस्टमर सप्लायर द्वारा बेचा गया माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न कहलाती है और इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेल्स में से कम किया जाता है। इसी तरह यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर कोई शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर के इस उपयोग को हम आगे GST के साथ समझेंगे। आइए अब सेल्स रिटर्न का एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने मोहन ट्रेडर्स को इनवॉइस नंबर 2 डेटेड 31 जुलाई 2020 को 2,58,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से सोनी टीवी 20 इंचेस वाला जो कि 24,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचा था, उसके एक नग की स्क्रीन खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को ही हमें वापस कर दिया। यहाँ टैली में हमने अपनी कंपनी ओपन की हुई है और हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करें, फिर क्रेडिट नोट वाउचर के लिए कंट्रोल और F8 प्रेस करें। देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएशन विंडो आ गई है। अभी ये आइटम इनवॉइस मोड में है और हमें यही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि डेट बदलना हो तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हमें अपने उस बिल का नंबर टाइप करना होगा जिससे हमने वो माल बेचा था जो कि वापस आ गया है। इसके बाद डेट में हमें अपने उसी बिल की तारीख टाइप करनी होगी जिससे हमने वापस आ रहा माल बेचा था। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिससे माल वापस आया है, अर्थात जो सेल्स रिटर्न कर रहा है। पार्टी डिटेल्स में यदि आपको इनमें से कोई डिटेल्स देना है तो वो दे दें और यदि नहीं देना है तो कंट्रोल और A प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। सेल्स लेजर में हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है। यदि ये लेजर बना हुआ नहीं है तो सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत बना लें। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम सिलेक्ट करें जो आइटम वापस आया है। यहाँ वापस आई हुई क्वांटिटी टाइप करें और यहाँ पर जिस रेट में माल बेचा था वो रेट टाइप करें। यदि पार्टी ने एक से ज्यादा आइटम्स वापस किए हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें और आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नरेशन में माल वापस आने का कारण टाइप करें और एंटर प्रेस करते हुए वाउचर को एक्सेप्ट कर लें।
आइए अब हम सेल्स रिटर्न का एक ट्रांजैक्शन तेजी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने इसके ट्रेडर्स को इनवॉइस नंबर 1 डेटेड 1 जुलाई 2020 से रुपए 1,20,000 का जो माल बेचा था उसमें से सोनी टीवी 30 इंचेस वाला जो कि 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से भेजा था उसके एक नग की बॉडी क्रैक होने से एसके ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को हमें वापस कर दिया और हमने उसे इस सेल्स रिटर्न के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 35,000 रुपए का चेक इसी तारीख यानी 31 जुलाई नंबर 12545 दे दिया। क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएशन विंडो आइटम इनवॉइस मोड में पहले से ही ओपन है। जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है वही डेट यहां पर आ रही है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हमें वो बिल नंबर डालना है जिससे हमने माल बेचा था। इसके बाद डेट में हमारे बिल की तारीख 1 जुलाई टाइप करनी होगी। पार्टी अकाउंट नेम में यदि हम उस पार्टी को बाद में पेमेंट करते हैं तो उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, पर हमने उसे हाथों हाथ बैंक का चेक दे दिया इसलिए यहाँ हमने जिस बैंक का चेक दिया है उसके बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। पार्टी डिटेल्स में आपको कोई डिटेल्स देना है तो वो दे दें, पर बायर्स डिटेल्स जरूर देना चाहिए जिससे भविष्य में भी हम ये आसानी से याद कर सकें कि ये माल किससे वापस आया था। सेल्स लेजर में हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम सिलेक्ट करें जो वापस आया है। यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करें। यहाँ हमने जिस रेट से माल बेचा था वो रेट टाइप करें। यदि एक से ज्यादा आइटम्स पार्टी ने वापस किए हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें और आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही बैंक एलोकेशन विंडो आ जाएगी। आपने जिस तरह से पार्टी को पेमेंट किया है ट्रांजेक्शन टाइप में उसका प्रकार सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए पहले स्पेस बार प्रेस करें। अब लिस्ट में से ट्रांजेक्शन का प्रकार सिलेक्ट करें। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक का नंबर टाइप करें। इंस्ट्रूमेंट डेट में चेक की तारीख टाइप करें। इसके बाद नरेशन में माल वापस आने का कारण जरूर टाइप करें और एंटर प्रेस करते हुए वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम क्रेडिट नोट वाउचर के संक्षिप्त प्रक्रिया को समझ लेते हैं। हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में उनका शॉर्ट में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपयोगी बातें सीखना छूट न जाए तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें यानी ऑर्डर में देखें। इस वीडियो में हमने क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि जर्नल वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं।